हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक न्यू एडिटिंग। थंबनेल देख के तो आपने पहचान लिया कि कैसे करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखें और स्किप बिल्कुल भी ना करें। स्किप करेंगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट गेट स्टार्ट नाउ। तो चलिए ओपन करते हैं अपना पिक्सार्ट और ऐड करते हैं बैकग्राउंड को। तो कहाँ गया, ये रहा। इसको कर लेते हैं रिसाइज, आते हैं टूल्स पे, रिसाइज कर लेते हैं। यहाँ से रिसाइज करने से ये होता है ताकि आप जब वीडियो फ़ोटो को एडिट कर लेंगे तो आपके पिक्सल नहीं फटेंगे। और लिंक मैंने इस बैकग्राउंड के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ईज़िली। यार गाइस, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो यार वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और लाइक करने के साथ साथ तो अपने दोस्तों का शेयर कर देना। और अगर आप वीडियो चैनल पे मेरे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ जिसकी नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिलती रहे। तो मैंने ऐड कर लिया अपना मॉडल। यहाँ से इसकी डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं और फिर आते हैं शेडो पे, और यहाँ इसका शेडो बना लेते हैं ताकि थोड़ी रियलिटी लगे। तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है आपको, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजीली है अभी। सो गाइज, अब मैं डेली अपडेट देता रहूँगा आपको हर वीडियो में। आपको जैसी भी चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की दे दी है। बस यहाँ से आता है इरेजर पे और एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर देते हैं। सिर्फ हमें नीचे आयरो पे रखना है इसकी शेडो। फिर आते हैं यहाँ पे एडिटिंग इमेज पे, यहाँ से ब्लैक शेडो को करते हैं ऐड। कहाँ चला गया, ये रहा। पहले इसको शेडो को इसको करते हैं इतना क्रॉप, और इसको सोल्जर के शोल्डर पे रखते हैं, और इसकी ओपेसिटी को करते हैं लगभग 60%। फिर आते हैं शेडो पे, इसको शेडो को नीचे रखेंगे ताकि थोड़ा रियलिटी लगे। कर देंगे डन। फिर आएंगे ऐड फोटो पे, यहाँ से अपने नेम का लोगो ऐड करेंगे। सो गाइस, अब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक दे रखी है, वहाँ पे आप जाएं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे मैं रोज़ अच्छी अच्छी अपडेट देता रहता हूँ। आपको जिस भी फ़ोटो का ट्यूटोरियल चाहिए आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। गाइस यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है जिससे वह वीडियो बनाए। तो यहाँ से कर लेते हैं सेव, ओपन करते हैं लाइट रूम। अब मेन काम अब यहाँ पर है कलर ग्रेडिंग का, तो कलर करते हैं। यहाँ के टेम्परेचर को करते हैं माइनस, अपने अकॉर्डिंग करना है -13, और टिन को करते हैं -14। वाइब्रेंस को भी हाई करते हैं थोड़ा, +21 रखते हैं। सैचुरेशन को भी हाई ही करते हैं लगभग 5%। उसके बाद आते हैं कलर पे, यहाँ पे ज़्यादा हमें कुछ छेड़ना ही नहीं है बस, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा ही नहीं है कलर करने वाला। सो बस इसके फेस को थोड़ा ब्राइट कर लेते हैं यहाँ से लुमिनेंस हाई करके, और बाकी चेक कर ले रहे हैं। बाकी यहाँ पे कुछ तो करना ही नहीं है हमें। सो गाइस, देखे रहिए आप लोग, सैचुरेशन को लगभग 21% माइनस करते हैं, ल्यूमिनेंस को लगभग माइनस ही करना होगा क्योंकि ब्लू टोन पे फोटो एडिट कर रहे हैं हम, इसीलिए।
सो गाइस यहाँ से करते हैं डन। उसके बाद आते हैं ये राउंड पे, फिर प्लस के आइकॉन पे, फिर यहाँ पे चौकोर पे, और यहाँ से साइड से ड्रैग करते हैं इधर के लिए। यहाँ से इसके करने से ये होता है बिल्कुल एक कलर का हो जाता है आपका फ़ोटो। जा भाई, बस आते हैं यहाँ पे टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को करते हैं प्लस 7 और टिन को 5 और सिचुएशन को लगभग 40%। उसके बाद आते हैं एक्सपोजर हाईलाइट को माइनस करते हैं, शेडो को माइनस करते हैं, बाकी ब्लैक को भी माइनस करते हैं। सिंपली क्लियरिटी को माइनस नहीं, हाई करेंगे, बीएस को भी लगभग हाई करेंगे 26%। उसके बाद यहाँ से करेंगे डन, फिर यहाँ से इसे टेक्सचर को हाई करेंगे, टेक्सचर को ज़्यादा नहीं बस थोड़ा हाई करेंगे, लगभग हमें माइनस नहीं, हाई नहीं, माइनस ही करेंगे क्योंकि माइनस से इसके चेहरे पे क्लियरिटी आएगी। क्लियरिटी लगभग 20% करेंगे, डीहेज को लगभग 5%, विंटेज को माइनस करेंगे, माइनस ज़्यादा नहीं करेंगे, बस 70-50% रखेंगे। उसके बाद मिड पॉइंट को भी माइनस करेंगे। फेदर, अब फेदर में आते हैं, फेदर में हाई कर देंगे फुल, राउंडनेस को हाई करेंगे और हाईलाइट को लगभग 40% रखेंगे, 42 या 40। देखिए सो पहले फ़ोटो ऐसी थी तो अब ऐसी हो गई है। उसके बाद फिर यहाँ से आते हैं इस साइड से ड्रैग करके इस साइड की कलर ग्रेडिंग करते हैं, क्योंकि उस बार हमने उस साइड की थी, अब इधर की करेंगे कलर ग्रेडिंग। सो सिंपली कर लेते हैं, सैचुरेशन को भी लगभग माइनस करेंगे क्योंकि हमने ये एडिटिंग ब्लू टोन पे की है इसीलिए, सॉरी। तो देख लीजिए आप लोग अमन क्या कर रहा है यार। देखिए पहले फ़ोटो एडिट होने के बाद ऐसी हो गई है। सो गाइस, अमे यार क्या हो रहा है ये। सो गाइस ये थी मेरी आज की एडिटिंग। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में हमें बताओ आपको वीडियो कैसी लगी है। तो जाते जाते आप एक काम ज़रूर कर दो, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ जिसकी वीडियो आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।